राधा और राधा, ये रिपोर्ट देख रही हो? तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा लड़का नहीं, लड़की है। लड़की? अरे लड़की और लड़के में क्या फर्क हो गया? लड़के और लड़की में क्या फर्क हो गया? तुम क्या समझोगी? इस समाज को नहीं जानती, इस दरिंदगी को नहीं जानती। वाह बहुत खूब, इन दहेज के भेड़ियों को नहीं जानती तुम। तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन क्यों? मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा लगा बंधा काम नहीं है, इसलिए तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। नहीं होने दूंगी, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। ये हमारा नाम रोशन करेगी। और सुनो, मैंने इसका नाम सोनी रखना है। ठीक, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अंधा हो गया। मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? आइए आइए बहन जी, मैं ठीक। हाँ, कपड़े तैयार हो गए आपके? एक ब्लाउज रह गया, शाम तक दे दूंगी। सोनी, ओ बेटी सोनी। हाँ माँ। जरा इधर तो आ। आ रही हूँ माँ। आंटी जी नमस्ते। बेटी सोनी एक काम कर, आंटी के कपड़े रखे हुए अंदर वाले कमरे में, जरा उठा कर तो ला। और हाँ, मुनी और रेखा कहाँ पर है? बाहर बरामदे में बैठी है, पढ़ रही है शायद, बुलाऊं उनको? ना ना ना, कोई बात नहीं, पढ़ने दे उन्हें, जा कपड़े उठा ले जरा। मेहनती बहुत है तेरी लड़कियाँ, पढ़ती भी हैं और घर का सारा काम भी करती हैं। अरे बहन जी, काम क्यों ना करना पड़े, औरत जात है ना। ठीक कह रही है तू, औरत बनी ही करने के लिए है। लो माँ। क्या कर रही हो बेटी? आंटी मैंने एम ए कर लिया है और अब कोचिंग कर रही हूँ। वो भी पढ़ रही है बहन जी? बड़ी अच्छी बात है लड़कियों को पढ़ा रहे हो, नहीं तो लोग लड़कों को पढ़ाते हैं। तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं बेटी। समाज में अभी तक पुरुषों का ही बोलबाला है, नारी जाति कुछ कर जाए या सीख जाए इस बात पर कतई ध्यान नहीं देता ये समाज। सही कह रही है बेटी, तू एक हमारे वो है जो कहते हैं लड़कियों को पढ़ा कर क्या करोगे, आगे जाके चूल्हा चौका ही तो करना है। पूरे समाज की ही सोच ऐसी हो गई है आंटी जी, लेकिन मिडिल क्लास के लोग इस सोच के मामले में सबसे आगे हैं। वो कतई नहीं बर्दाश्त कर सकते कि एक स्त्री उनके समक्ष खड़ी हो। अरे बहन जी, अब जमाना बदल रहा है, लड़कियां भी आगे आ रही हैं
और आए भी क्यों ना, कब तक गुलामों जैसी जिंदगी जिएंगी लड़कियाँ? अपनी जंजीरों को तोड़ने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। वजूद कायम रखने के लिए संघर्ष करना होगा, आगे बढ़ना है और कदम उठाना है, अब कुछ बनकर दिखाना है। बिल्कुल सही बोली। हाँ रंजीत सिंह जी, ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे? बहुत दिनों बाद दर्शन हो गया। जी जी, बस थोड़ा सा। क्या ज्यादा व्यस्त हैं आप? अरे नहीं, बस आइए। यार रंजीत सिंह, तुम तो मीडिया का मुझे तो अच्छी तरह से जानते ही हो। हाँ, लड़के वालों को, लड़के वालों से बात हुई क्या? देखो भाई, बात तो मैंने की है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लड़के वालों के यहाँ? हाँ लड़के वालों के यहाँ, आमने सामने बैठ के बात भी कर लेना और लड़के पे भी नज़र डाल लेना। लड़का तुमने देखा ही होगा। देखा तो है मैंने। कैसा है लड़का? ठीक है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता, करने लगेगा, MSc की है। MSc तो ठीक है, MSc की है, मगर ये है कि नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, माँ बाप का आश्रित है। देख भाई, नौकरी तो उसकी 100% लगी जानी है, बताया ना MSc की है। MSc चलो यार, बात करो, बात चलो, चलो। अच्छा तो मोहन जी, एक बात बताइए, आपको लड़की की शादी करने का मूड है या नहीं? हाँ, शादी तो करनी है, कोई अच्छा रिश्ता मिले तो बात है। रिश्ते के लिए ही आए हैं। ये हैं करण सिंह जी, इनकी लड़की है। क्या कर रही है लड़की? MA की है। हमारा लड़का MSc कर रहा है, पढ़ने में बहुत होशियार है। नौकरी वगैरह कुछ है? जी हाँ, आज बैंक का एंट्रेंस देने गया है। ये है लड़के का फोटो, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। एक बात बताऊं भाई जी, आप तो जानते ही हैं आजकल के जमाने में नौकरी किस तरह से मिलती है। हाँ, रिश्वत का जमाना है, काबिलियत तो दूसरे नंबर। सही समझ रहे हैं आप, सब पैसे का खेल है, पैसे का। नौकरी को छोड़िए, वो दूर की बात है, अब तो बच्चों को पढ़ाना ही छाती पर हाथी के पांव जैसा है। हाजी आप सही फरमाया आपने, कुल मिलाकर पढ़ाना ही लाखों रुपए का खेल है। तो ठीक है जी, लड़का हमने देख लिया, लड़का हमने कुछ मान तान तो नहीं है? मान तान तो कुछ नहीं, अभी 4 दिन पहले ही तो पार्टी आई थी, मांग डिमांड हमने कुछ नहीं रखी। लड़का उन्हें बहुत पसंद आया और खुद 5 लाख रुपए नकद देने को कह गए। चलिए फिर क्या, अभी हमने जवाब नहीं दिया। भाई जी अब आप बताओ आपकी क्या राय है? राय मशवरा करके तो मैं घर पे रंजीत सिंह को। अच्छी बात है करण सिंह, जवाब जरा जल्दी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सुनो जी, 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, लेकिन अपनी बेटी सोनी के हाथ पीले करने हैं तो 5 लाख रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना। पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। क्यों बेटे? शादी ब्याह कोई बाजारू रस नहीं, कोई मंडी का बिकाऊ माल नहीं, जहाँ कीमत तय होती है आप मना कर दीजिए। मैं भी समझती हूँ बेटी, लेकिन ये हमारे घर में पहला ब्याह है ना, नहीं करते बेटी। माँ, तू पेट काट कर भी थोड़ा थोड़ा जोड़ेगी ना, तभी सारी उम्र 5 लाख रुपए नहीं जमा कर पाएगी। अरे सोनी बेटी, तुम इसकी चिंता क्यों करती हो, हम देंगे ना 5 लाख रुपए। लेकिन कहाँ से माँ, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अरे छोड़ ना, सब सब इंतजाम हो जाएगा। माँ,
कहाँ से आएंगे इतने पैसे बता। देख सुनिए, मेरे पास कुछ गहने हैं ना शादी के, और जब कमी समी रह भी गई तो उधार उठा लेंगे। हाँ सोनी बेटे, सब चुपता हो जाएगा। पिताजी, मेरी दो बहनें ये भी तो हैं, इनकी भी तो शादी होनी है, इनके लिए कहाँ से लाएंगे दहेज? बेटे, तो इस समाज को नहीं समझ, ये अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता। मेरे बच्चे, तू बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है बच्चे। लोग शादी विवाह में देर होने पर उंगलियां उठाने लगते हैं, तरह तरह की बात करते हैं मेरे बच्चे। मन सोनी बेटी, तेरे पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं, अरे हमें भी तो समाज को देख कर चलना पड़ता है। माँ, ये तू कह रही है जिसने मुझे पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, अब कोचिंग करा रही है, मुझ पर इतना पैसा माँ क्यों खर्च किया तुमने, क्यों बोल ना माँ। अरे सोनी बेटी, क्या बोलूं, तेरे नसीब सीधा होगा तो शादी के बाद भी तो कुछ बन सकती है, कुछ कर सकती है। पता है समाज में जवान लड़की पर तरह तरह के ऊंधे उठाते हैं, तरह तरह की नजर से देखते हैं, जरा सी देर में इज्जत जाते देर नहीं लगती बेटी। इज्जत? कैसी इज्जत माँ, कैसी इज्जत? सोनी बेटी, इज्जत हम गरीब लोगों के पास इज्जत के सिवा और है ही क्या? तू हाँ कर दे बेटी, शादी के लिए मान जा। ठीक है माँ, जैसा तू कहती है वैसे ही करूँगी। भाई साहब, लड़के वालों से हाँ कर दीजिए, हम तैयार हैं। नहीं मोनी, अभी हम पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, हमें अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं ना। हाँ दीदी, हम अपने मम्मी पापा का सपना जरूर पूरा करेंगे। नमस्कार रंजीत जी, बैठो। और सुनाओ रंजीत सिंह जी, क्या हाल लड़की वालों का? बधाई हो, 5 लाख रुपए देने के लिए लड़की वाले तैयार हो गए हैं। और कोई चारा भी तो नहीं था, लड़का हमारा लाखों में एक है। अरे लड़की भी किसी से कम नहीं है जनाब, ये लो फोटो देख लो। लाओ दिखाओ। शगुन कब का तय समझूं? थोड़ा इंतजाम के लिए वक्त दीजिए मोहन जी। बिल्कुल बिल्कुल, सिंह जी खुशखबरी का संदेश आया है, बधाई हो, लड़के का सिलेक्शन हो गया। बहुत खुशी की बात। कहाँ? अरे बैंक मैनेजर में। बधाई हो, बधाई हो। अरे बस आप लोगों का आशीर्वाद और ईश्वर की अनुकंपा चाहिए। अरे लड़की का भाग्य देखिए, उसके आने से पहले ही लड़का बैंक मैनेजर हो गया। अरे यूं कहो लड़की का भाग्य हो गया, इसमें कोई शक ऐश करेगी ऐश। क्या नाम बताया था लड़की का? सोनी। हाँ सोनी, सोनी के बाप का सीना भी गर्व से फूल जाएगा। क्या नाम बताया था सोनी के बाप का? दिमाग से उतर गया। करण सिंह। हाँ करण सिंह, एक बात कहनी पड़ेगी करण सिंह जी से। जी बताइए क्या? जब दामाद बैंक मैनेजर हो तो सास ससुर के लिए पैसा बाप का मैल हो जाता है। दामाद की खुशी के लिए 5 लाख कुछ नहीं है, कम से कम 15 लाख का इंतजाम करवाओ, ताकि पड़ोसी और पड़ोसी को मालूम पड़े करण सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, अपने दामाद को 15 लाख दे रहा है। जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे समझने को रह ही क्या गया है, करण सिंह से कहो 15 लाख का इंतजाम करें। ना तो शायद ही कर पाए, 5 लाख ही उनके लिए बहुत बड़ी रकम। अरे नहीं यार, 5 लाख रुपए एक बैंक मैनेजर के लिए, क्या नाक कटवाओगे रमेश की समाज में? चलिए ठीक है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए आइए रंजीत सिंह जी, आइए आइए मोहन सिंह जी, तशरीफ रखिए।
मैं समझता हूँ मोहन सिंह जी कई महीने हो गए मुलाकात हुए, घर पर सब कुशल से तो है? जी जी, ईश्वर की कृपा है, सब कुशल मंगल है, यहाँ पर सब ठीक ठाक है ना? ईश्वर मालिक है, गया है भाई। रंजीत सिंह जी आप ही नहीं दिखाई दिए, कब बस थोड़ा समय नहीं मिल पाया। समय तो निकालने से निकलता है। करण सिंह जी मैं बड़ा व्याकुल था, आपकी कोई कुशलता नहीं मिल पा रही थी, मैंने सोचा खुद ही जाकर भाई का हालचाल पूछ लेता हूँ। अरे भाई साहब आपने आज कष्ट किया, मुझे बड़ा अफसोस है। बधाई हो, आपका होने वाला दामाद बैंक मैनेजर हो गया है। भाई मोहन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ बताइए। इनका कहना है बैंक मैनेजर के लिए 5 लाख की भेंट बहुत कम, कम से कम 15 लाख तो मिलने चाहिए। भाई मैनेजर की छवि बनी रहे उसकी नाम का सवाल है, और समाज भी ससुर को कम हैसियत वाला ना दे। खुलकर साफ साफ बताइए। मोहन सिंह जी का कहना है 5 लाख की जगह 15 लाख का इंतजाम करो तो शादी हो सकती है। देखो करण भाई, 15 लाख का इंतजाम हो जाता है तब ठीक है, खबर कर देना, वरना हम कहीं और बात चलाते हैं। सुनिए जनाब, आपका लड़का मेरी लड़की के पास में है। क्या मतलब? मैं सही कह रहा हूँ, मेरी लड़की अपने बराबर वाले लड़के से शादी करेगी, जिसके लिए दहेज कोई मायने नहीं। क्या कहना चाह रहे हो आप? आपका लड़का एक मामूली बैंक मैनेजर ही, उस पर तो ये कि 5 लाख की जगह 15 लाख दहेज दे। क्या बैंक मैनेजर मामूली होता है? हाँ हाँ, मेरी लड़की के हिसाब से आपका लड़का मामूली नहीं। ऐसा क्या करती है लड़की आपकी? मेरी लड़की IAS है। IAS? जी हाँ, इसका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ, समझे आप? इंसान के रूप में दहेज के भेड़ियों को सजा क्यों नहीं देता भगवान, जो बेटियों के बाप का खून तो पीते ही हैं, हड्डियों से मांस भी उतार लेते हैं। ये कैसा समाज है जहां दूल्हा बिकता है, बेटियां दहेज के लिए जलाई जाती हैं। क्या बेटी कोई वस्तु है जिसका दान किया जाता है? बेटी माँ बाप का संस्कार है, दौलत जिगर का टुकड़ा है, एक नहीं दो दो कुल की लाज है। अच्छा, बहुत अच्छा है मेरे कोई बेटा नहीं, नहीं तो मैं भी भिखारी हो जाता और अफसोस होता उन लोगों पर जिन्होंने बेटी का प्यार पाया ही नहीं।